जय श्री राम दोस्तों, वंदे वास्तु चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बिना तोड़फोड़ वास्तु दोष के उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे, यदि आपके घर में आपको लगता है कि निगेटिव एनर्जी का वास हो रहा है या फिर आप पे निगेटिव एनर्जी नकारात्मक ऊर्जा हावी हो रही है, तो उस दोष को इन उपायों के साथ में कैसे दूर किया जा सके। दोस्तों, कभी कभी आपके घर या आपके ऑफिस, फ्लैट या दुकान में आपको लगता है कि निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपको घबराहट महसूस होती है, आपको कुछ नकारात्मक ऊर्जा का आभास होता है, तो आप दोस्तों उस नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने जीवन से, अपने कार्यस्थल, अपने घर, अपने फ्लैट से दूर कर सकते हैं। आज उसी संबंध में हम आपको कुछ उपाय बताते हैं। उस उपायों को आपको करना है और आप अपने जीवन में, अपने घर में, फ्लैट में, दुकान में आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करें। दोस्तों, यदि नकारात्मक ऊर्जाएं अपने जीवन में हावी होने लगती है तो अपने बिजनेस में नुकसान होता है, अचानक से जॉब छूट जाती है या फिर आर्थिक नुकसान भी होता है, कुछ लोग अचानक बीमार हो जाते हैं, तो ये लक्षण है कि नकारात्मक ऊर्जाएं अपने जीवन में हावी हो गई है। दोस्तों, अभी हम जो उपाय बता रहे हैं उसे आप सोमवार से रविवार कभी भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे ये उपाय आपको शाम को 7 बजे के बाद ही करना है, आपको दिन में ये उपाय नहीं करना है। इसके लिए आप एक कांच का ग्लास ले, उस ग्लास में आपको पानी भरना है। पानी भरने के बाद में आपको समुद्री नमक लेना है। समुद्री नमक, उसमें आप 3 चम्मच समुद्री नमक डालें। उसके बाद उस पानी को आपको घोलना है। ये ध्यान रखें कि उस पानी में समुद्री नमक अच्छे से घुल जाए। समुद्री नमक ग्लास में अच्छे से घुलने के बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो आप इस ग्लास को अपने घर के मुख्य द्वार पर ले जाएं और उसे 7 बार पूरे घर में उल्टा घुमाएं, यानी आपको एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना है। आप मुख्य दरवाजे से शुरू करके पूरे घर में घुमा के फिर से मुख्य दरवाजे पर आए, ऐसा आपको 7 बार करना है। यदि आपके किसी कमरे में आपको लगता है कि नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न हो गई है, तो इसे आप अपने कमरे में भी 7 बार उल्टा घुमा सकते हैं। यदि किसी इंसान पर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव ज़्यादा हो गया है, तो इसे किसी इंसान पे भी आप 7 बार उल्टा उसके सर के ऊपर घुमाएं। ये उपाय आप हर कमरे में या पूरे घर में या किसी इंसान पर कर सकते हैं। इसके बाद आप इस ग्लास को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रख दें। आपको ये रात भर रखना है। सुबह अगर इस पानी का कलर चेंज होता है, तो समझ लेना कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं इस पानी में समाहित हो गई है। इस पानी को आप किसी दूर खुले स्थान पर फेंक आए। अगर आपको लगता है कि ये उपाय को आपको फिर से दोहराना है, तो फिर से आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको आपके घर का वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए दूसरा उपाय बताते हैं। आपको साबुत लौंग 1 मुट्ठी भर लेना है। आपको इन लौंग को अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको मुट्ठी बांधकर ये लौंग को घर के मुख्य द्वार से पूरे घर में उल्टी दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए फिर से मुख्य द्वार पे आना है,
ऐसा आपको 7 बार करना है। ये करने के बाद आप अपने भगवान के पास एक भीमसेनी कपूर एक कटोरी में जलाए और उसमें ये सारी लौंग उसमें डाल दे। ये लौंग जलाने के बाद इसका जो बचा हुआ पाउडर है वो आप घर के बाहर किसी खुले स्थान पर फेंक दे। ऐसा करने पर आपके घर में हावी हो रही नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती है। ये उपाय आप किसी कमरे में भी कर सकते हैं, किसी इंसान पर भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे ये उपाय आपको शाम को 7 बजे के बाद ही करना है। अगर ये 2 उपायों को आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर फ्लैट दुकान या ऑफिस में उत्पन्न हो रही नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाएंगी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।